फराली पेटिस या व्रत में खाने जाने वाली पेटिस बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 बड़े साइज के आलू को स्टीम कुक कर लिया है, उन्हें पील करके ठंडा होने दिया है और उसके बाद हम उसे इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। सारे के सारे आलू ग्रेट कर लेने के बाद आप 1/4 कप मिक्सचर जो है वो आप सेपरेटली रख ले हमारे स्टफिंग के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून अरारूट फ्लावर और सेंधा नमक। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथों की मदद से उसे नीट कर लेंगे ताकि जो मिक्सचर है वो एकदम स्मूथ हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून तेल और उसे अच्छे से नीट कर लेंगे और तेल से कोट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम ढक कर रहने देंगे जब तक हम हमारी स्टफिंग बनाकर रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने एक बोल में लिया है 1/2 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। साथ ही मैं ले रही हूँ 1/4 कप काजू का पाउडर। काजू को मैंने दरदरा पीस लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो काजू के टुकड़े भी डाल सकते हैं। 1/4 कप किशमिश और 1 टेबलस्पून तिल। बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून पाउडर चीनी और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 ग्रीन चिलीज जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और 1 टीस्पून अदरक जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें आप मिर्च और जिंजर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये मुंह में आते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नींबू का रस। नींबू का रस और चीनी का प्रपोर्शन आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे और साथ ही में हम उसमें डालेंगे 1/4 कप ग्रेटेड आलू का मिक्सचर जो हमने हमारे आउटर कवरिंग में से बचा लिया था स्टफिंग के लिए, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप टेस्ट करने के बाद उसमें सेंधा नमक डालें, क्योंकि हम इसमें नींबू का रस डाल रहे हैं, पाउडर चीनी डाल रहे हैं, सारी चीज़ें डाली हुई है और ये जो स्टफिंग है वो हल्का माइल्डली सॉल्टी ही अच्छा लगता है, इसलिए आप बहुत कम डालें और चेक करने के बाद ही डालें। हाथों को तेल की मदद से ग्रीस कर लेने के बाद हम मिक्सचर को इस तरीके से अच्छे से नीट कर लेंगे और उसके गोले बना लेंगे। मिक्सचर के हम 10 इक्वल साइज्ड के गोले बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम इस तरीके से हाथों को ग्रीस करके हमारे जो आउटर कवरिंग है उसके भी 10 इक्वल साइज के गोले बनाकर रेडी कर लेंगे और उसके गोलों को हमें स्लाइटली फ्लैटन करना है, यानी कि दोनों पाम्स के बीच में आप उसे एकदम मसल के पहले उसका एक बॉल बना ले और उसके बाद उंगलियों की मदद से उसे इस तरीके से प्रेस करते जाएं और उसके एक पूरी की शेप में बना ले। उसके बाद हमारे स्टफिंग के बॉल को आप सेंटर में रखें और इस तरीके से सारे एजेस को एक साथ मिला लें और सील कर दें। दोनों पाम्स के बीच में लेके आप एकदम इसे इस तरीके से मसल ले ताकि एक स्मूथ क्रैक फ्री बॉल बनकर रेडी हो जाए। ध्यान रहे कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। इस तरीके से आप सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर लीजिए। इतनी क्वांटिटी से और इतने साइज के आप 10 फराली पेटिस बनाकर रेडी कर पाएंगे। सारे के सारे बॉल्स रेडी हो जाए उसके बाद हम इन्हें तलने से पहले आरारूट फ्लावर में डिप करेंगे। सो एक प्लेट में आप आरारूट का आटा जो है वो इस तरीके से निकाल लें और एक के बाद एक आप बॉल्स को उसमें डालें और कोट कर लें। सो इस तरीके से आप बॉल्स को ले लें और आरारूट में कोट कर लें। कोट कर लेने के बाद आप दोनों हाथों के बीच में लेकर उसे इस तरीके से रब कर ले ताकि जो एक्सेस आरारूट का फ्लावर है वो निकल जाए और आरारूट का फ्लावर से हमारे जो बॉल्स है वो इवनली कोट हो जाए। अगर आप व्रत में कोरिएंडर यानी कि धनिया के पत्ते खाते हैं तो आप स्टफिंग में कोरिएंडर लीव्स को चॉप करके भी डाल सकते हैं और साथ ही में इसमें आप रोस्टेड मूंगफली को चॉप करके भी डाल सकते हैं। सो आप काजू और मूंगफली दोनों डाल सकते हैं या दोनों में से एक चीज़ भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से बॉल्स को कोट करके फ्रिज में रख सकते हैं और सर्विंग के पहले आप उन्हें फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी के सभी बॉल्स को हम फ्लावर में कोट करके रख देंगे
और उसके बाद हम उसे फ्राई कर लेंगे। इन बॉल्स को फ्राई करने के लिए हमें जो है वो तेल मीडियम हीट पर गर्म करना है, और तेल जैसे ही मीडियम हीट पर गर्म हो जाए उसके बाद आप फ्लेम को जो है वो मीडियम से लो के बीच में एडजस्ट करते रहें और फ्राई करते रहें। इन्हें हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये एकदम क्रिस्प और लाइट ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। इन्हें आप सारा का सारा एक साथ ना फ्राई करें, आप 3 से 4 के बैचेस में इन्हें फ्राई करें। अब हम देखते हैं कुछ टिप्स जिससे आप परफेक्ट फराली पेटिस बना पाएंगे। आलूओं को आपको स्टीम कुक ही करना है, यानी कि प्रेशर कुकर में पानी डालें, उसके ऊपर स्टैंड रखें और उसके बाद एक छलनी में या एक स्टीमर के स्टैंड में आप आलूओं को रखें, डायरेक्टली पानी में उन्हें बॉईल ना करें। आरा रूट को आपको तभी आलू के मिक्सचर में मिलाना है जब आलू का जो मिक्सचर है वो एकदम ठंडा हो गया हो, और नमक भी आप ठंडा होने के बाद ही डालें। और इन बॉल्स को आपको एकदम क्रैक फ्री बनाना है, एकदम स्मूथ बनाना है, ताकि फ्राई करते वक्त इसका जो स्टफिंग है वो बाहर ना आ जाए। सो इन टिप्स से आपकी जो फराली पेटिस है वो एकदम परफेक्ट बनेंगी। हमने फराली पेटिस को सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ और राजकोट स्पेशल पीनट चटनी के साथ।